Hey champions, what's up with you? Thank you so much for tuning back into my channel. It is Hashtag Question and I am your personal observer, Vinay Panekar. जैसे कि हमने पिछले वाले चैप्टर में देखा था कि कोई भी मैनेजमेंट बिजनेस के लिए, कोई भी बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से अगर प्रॉफिट जनरेट करना है तो उसको अच्छे तरीके से मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को यूज करना पड़ेगा इफेक्टिव तरीके से रिजल्ट लाने के लिए. हेनरी फेयोल के FW टेलर के प्रिंसिपल्स को हमने समझ लिया और उसी तरीके से अगर आप भी आगे कोई बिजनेस करते हो तो आपको प्रिंसिपल्स डेफिनेटली काम आने वाले हैं. पर अगर एक मैनेजमेंट को सच्ची में सक्सेस हासिल करना है तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, ये हमको सेकेंड चैप्टर बताएगा. सेकेंड चैप्टर हमको ये बताता है कि एक मैनेजमेंट को इफेक्टिवली और स्मूथली चलाने के लिए 7 प्रोसेस की जरूरत रहती है. एंड बाय डिफॉल्ट 6 प्रोसेस ही रहते हैं, बट यहाँ पर एक प्रोसेस को 2 में बांटा गया है. तो यहाँ पर हमको इस प्रोसेस को बोलते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. एक कोई भी मैनेजमेंट हो, भले से वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट हो, कोई बिजनेस मैनेजमेंट हो, या कोई सर्विस मैनेजमेंट हो, या कोई स्कूल मैनेजमेंट हो, अगर कोई चीज को, अगर आपको कुछ भी मैनेज करने के लिए कोई प्लान को भी मैनेज करना है आपको, तो आपने कोई फंक्शन प्लान किया है उसको भी प्लान मैनेज करना है, तो आपको ये फंक्शंस जरूरी याद रहना चाहिए. तो देखते हैं क्या है वो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग. ये 6 वर्ड है, आपने इससे मेरे मुंह से सुन लिया, क्या पता आपको इसमें से थोड़े बहुत वर्ड के मीनिंग मालूम हो, बट थोड़े बहुत वर्ड के मीनिंग नहीं मालूम हो. तो यहाँ पर बिना चैप्टर को पहले चालू करे हुए चलो ये देखते हैं कि ये चैप्टर का एक रिविजन को किस तरीके से दिया जाएगा. मैं आपको यहाँ पर एक जिस्ट बता रहा हूं. जस्ट इमेजिन करो कि आपके कॉलेज में भी आप 12th में हो. यस और नो? 12th वाले लोग को एक फेयरवेल मिलने वाला है एंड ऑफ द ईयर. यस, तो 11th वाले लोग को बोला गया है कि आपको है ना 12th वाले बच्चे लोग को भेजना है बाहर फेयरवेल के लिए. तो आप कैसे उसको प्लान करोगे? तो यहाँ पर एक प्लानिंग शीट कैसे तैयार होगी, देखो. सबसे पहला फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या आएगा, प्लानिंग. पहले तो 11th वाले लोग प्लान करेंगे कि फेयरवेल कितने बजट में होना चाहिए, मतलब 12th वालों से कितना रुपए लेना चाहिए फेयरवेल करने के लिए, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, कहाँ पे रखना चाहिए फेयरवेल, कौन से टाइम पे फेयरवेल रखना चाहिए, यू नो कौन सा थीम रखना चाहिए फेयरवेल का. तो ये सब क्या होता है, प्लानिंग करना होता है. प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस what to do, when to do, how to do, who is to do it, मतलब कौन करेगा, कहाँ करेगा, कैसे करेगा और कहाँ पे करेगा. आपको यहाँ पर प्लानिंग का मतलब अगर समझ में आ गया रहेगा तो दूसरा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग का मतलब ये होता है कि समझ लो अगर मेरा प्लान मैंने बनाकर रख दिया हूं तो मुझे कौन सा काम किसको देना है वो किस में आएगा, ऑर्गेनाइजिंग में नहीं आएगा. ऑर्गेनाइजिंग में आएगा कि कौन सा काम के लिए मुझे क्या चीज की जरूरत रहेगी. जैसे कि समझ लो कि अगर मुझे एक डांस बिठाना है फेयरवेल डांस में, तो मुझे फेयरवेल डांस में कोई कॉस्ट्यूम्स चाहिए, तो मुझे ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा क्या कॉस्ट्यूम, मुझे ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा. बहुत अच्छा, मुझे ना एक बैंक्वेट सिस्टम के हिसाब से मुझे बहुत अच्छा बुफे खाना रखना है, तो मुझे अच्छे यू नो एक पार्टी प्लानर को बुला के सबसे पहले तो उसको बोलना पड़ेगा कि मुझे कोई अच्छा एक होटल का नंबर दो जो अच्छा खाना सप्लाई करे. यस और नो? उसी तरीके से मुझे पूरे ऑडिटोरियम को सजाने का जहाँ पे फेयरवेल होने वाला है, तो मुझे एक पार्टी प्लानर को बुलाकर, एक बहुत अच्छे डेकोरेटर को बुलाकर पूरे एरिया को कवर करने के लिए एक अच्छा डेकोरेटर प्लान करना पड़ेगा. तो ऑर्गेनाइजिंग उसमें आता है कि मतलब मैं चीजें जो लाऊंगा फेयरवेल के लिए, फेयरवेल अच्छा करने के लिए, वो कहाँ से आएगी, तो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट संभालता है. मूविंग फर्दर है, तीसरा फंक्शन है स्टाफिंग. स्टाफिंग का मतलब ये होता है कि जो भी चीज फेयरवेल में होने वाली है वो कौन करेगा. जैसे कि समझ लो कि फेयरवेल में 6 चीज होने वाली है. पहला तो है एंट्री, तो एंट्री पे कौन खड़ा रहेगा, टीचर्स खड़े रहेंगे या स्टूडेंट्स खड़े रहेंगे. अगर स्टूडेंट्स भी खड़े रहेंगे तो स्टूडेंट्स में एक सबसे पहले तो किसी एक को बहुत हेड बनाना पड़ेगा जो अपने अलावा 6 जन को और खड़ा करे फ्लावर डालने के लिए या कुछ भी करने के लिए. सेकेंडली किसी एक को टेक्नीशियन का हेड बनाना पड़ेगा तो वो सारे गाने वीने बजाए. तीसरा किसी को खाने का हेड बनाना पड़ेगा, कौन वो खाने का डिपार्टमेंट संभालेगा. चौथा किसी को गिफ्ट बांटने के लिए रखना पड़ेगा. पांचवा किसी को टीचर्स को बुलाने के लिए रखना पड़ेगा. छठा किसी को होस्टिंग करने के लिए रखना पड़ेगा. तो कौन सा इंसान कौन से काम के लिए बेहतरीन सूट होता है, कोई कोई किसी को उनको फोटोग्राफर के तौर पर रखना पड़ेगा. यस और नो? तो कौन सा इंसान कौन से काम के लिए बहुत बेस्ट सूट होता है, ये क्या बताएगा हमको, स्टाफिंग बताएगा. ओके, आपको यहाँ पर ये तीनों फंक्शन अगर इजिली समझ में आ जाएंगे आगे रहेंगे तो आपको आगे के तीन फंक्शन फटे इजी लगने वाले हैं. द नेक्स्ट इज डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है कि अगर
एक काम एक जन को दे दिया आपने, जैसे कि फोटोग्राफी ये बंदा संभालेगा, होस्टिंग ये बंदी संभालेगी, डांस का जो भी रहेगा, परफॉर्मेंस जो भी रहेगा, ये बंदा संभालेगा। तो अब ये बंदा लोग जो है जिनको आपने काम दे दिया है, उन लोग क्या करेंगे, डायरेक्टिंग करेंगे। जैसे कि फोटोग्राफर पूरे इसमें एक ही तो फोटोग्राफर नहीं चाहिए रहेगा ना, कम से कम दो तीन फोटोग्राफर चाहिए रहेंगे ना अलग अलग जगह पे अलग अलग फोटो खींचने के लिए। तो तीनों फोटोग्राफर को संभालने के लिए एक मेन हेड रहेगा, ओके। तो वो डायरेक्ट करेगा कि एक काम, तीन जन है ना, तो तीन जन में से एक हमेशा स्टेज की फोटो लेगा, एक हमेशा बच्चे लोग की फोटो लेगा जो फेयरवेल के लिए आए हैं, और एक हमेशा क्या करेगा मालूम है क्या, कैंडिड फोटो लेते रहेगा, मतलब लोग हंस रहे तो उसकी फोटो ले रहा है। या तो फिर खाने के टेबल पे भी समझ लो, जैसे खाने वाले का एक हेड रहेगा, वो क्या करेगा, एक जन खाना बांटेगा, एक जन डेजर्ट मिठाई बांटेगा, एक जन कूपन्स बांटेगा, एक जन प्लेट्स देगा, वैसे करके सारी चीजों को क्या कर दिया जाएगा, अरेंज कर दिया जाएगा। डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग का मतलब क्या होता है मालूम है क्या, कि एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेट करते रहना। जैसे कि समझ लो कि आप टेक्नीशियन के हेड हो और मैं परफॉर्मेंस वाला हूँ, तो आपको मालूम रहना चाहिए कि मैं जब स्टेज पे आऊंगा तो मेरे को कौन से गाने पे डांस करने का है, आप वही गाना बजाओ और तभी मैं डांस करने चालू कर दूंगा। तो इसमें क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेशन हो रहा है, कौन से दो टीम का, परफॉर्मेंस वाले टीम का और डीजे वाले टीम का, जो जिसको बोला गया टेक्नीशियन के टीम का, ओके। मूविंग फर्दर हेड वी हैव वन मोर थिंग कॉल कंट्रोलिंग। अगर सब कुछ जो आपने स्टार्टिंग प्लानिंग से ऑर्गेनाइजिंग से स्टाफिंग से डायरेक्टिंग से कोऑर्डिनेटिंग तक का सब कुछ अगर बराबर आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये कौन देखेगा, कंट्रोलिंग देखेगा। कंट्रोलिंग का मतलब ये होता है कि जिस तरीके से आपने चीजों को प्लान करके एलोकेट किया है वो बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये कौन किस कौन किसका देखने का जिम्मेदारी है, कंट्रोलिंग की देखने की जिम्मेदारी है। आई होप आपको ये एग्जाम्पल से पूरे चैप्टर के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं समझ में आ गया रहेगा। कंप्लीटली इजी चैप्टर है ये, चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूंगा, स्टार्टिंग में आपको मैं वो पढ़ा दूंगा। विद दैट ऑल्सो मेक श्योर कि जो भी इसमें क्वेश्चंस आने वाले हैं वो सारे 5 मार्क के क्वेश्चन रहने वाले हैं, इजीली आपको समझने का है, चैप्टर एकदम इजी है, सिर्फ आपको दिमाग यूज करना है आपका और इस तरीके उस तरीके से आपको पढ़ने का है। नाउ मूविंग ऑन टू द वेरी फर्स्ट टॉपिक, प्लानिंग। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग, प्लानिंग इज बेसिकली जो हम प्लान बनाते हैं ना उसको बोलते हैं प्लानिंग। प्लानिंग इज द बेसिक फंक्शन, मतलब आप प्लानिंग नहीं करोगे ना तो मैनेजमेंट में आप कहां पे भी पहुंच नहीं पाओगे। कुछ भी आपको कुछ फंक्शन प्लान करना है या कोई पिकनिक प्लान करना है या कोई पार्टी प्लान करना है या तो आपको कोई बिजनेस आइडिया प्लान करना है, तो सबसे पहले आपको प्लानिंग ही करना पड़ेगा, ओके। विद दैट प्लानिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मतलब इसके बिना आगे के फंक्शन काम करेगी नहीं, मतलब ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेटिंग कुछ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि बिना प्लानिंग के कोई आपने कुछ प्लानिंग नहीं किया तो कुछ आपको थोड़ी कोई और फंक्शंस को यूज कर पाओगे। यस और नो? देन वी हैव प्लानिंग इज व्हाट, व्हाट इज बेसिकली प्लानिंग। अब प्लानिंग के 2-3 डेफिनेशन टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, बट ये डेफिनेशन जो सबसे पहला डेफिनेशन आपको दिया हुआ है वो है प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस। व्हाट इज प्लानिंग, इट इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज टू डू द गिवन टास्क। मतलब प्लानिंग है ना पहले से ही एडवांस में डिसाइड करना है कि कौन करेगा काम, कौन क्या काम करेगा, ओके, क्या काम करना है, विद दैट कभी वो काम करना है और कौन वो काम करेगा, ओके। तो यहां पर आपको प्लानिंग का डेफिनेशन समझ में आया, प्लानिंग इजीली क्या है। प्लानिंग एक बेसिक ऑब्जेक्टिव है आपकी, उसके बिना आपको जो डिजायर्ड गोल है या जो ऑब्जेक्टिव है आपको हासिल नहीं कर पाएगा अगर आपने कोई अच्छा सा मैनेजमेंट प्लान बना के नहीं रखा होगा तो, ओके। जस्ट इमेजिन करो कि एक बच्चा है वो अपनी माँ से बिछड़ गया है, ओके। तो अभी माँ उसको ढूंढ रही है और बच्चा माँ को ढूंढ रहा है, पर बच्चे को ऐसा डर लगा रहता है कि अगर मैंने किसी को बोल दिया कि मुझे मेरे घर तक आओ छोड़ो, तो बच्चा सोच रहा है कि यहाँ पर कि किसी ने मेरा गलत इस्तेमाल कर दिया, तो क्या पता किसी को मैंने पूछा और वही इंसान ने मुझे अगवा कर लिया तो किडनैप कर लिया तो इसमें क्या होगा, बेसिकली बच्चे का नुकसान हो जाएगा, बच्चे की लाइफ बर्बाद हो जाएगी। तो बच्चा यहां पर प्लान करता है, क्या प्लान करता है, चलिए देखते हैं ये पॉइंट्स के जरिए, ओके। तो यहां पर जो बच्चा घूम गया है वो सबसे पहले सोचता है कि चलो मैं एक काम करता हूं, यहां पर पीसीओ पे मेरे घर पे फोन करता हूं, ओके। तो यहां पर बच्चे को याद आता है कि अचानक से आ रही है उसकी मम्मी का भी फोन है ना, एक हफ्ते पहले ही घूम गया है, तो यहां पर उसको घर पहुंचाने के लिए वो अपनी माँ को फोन कर ही नहीं सकता है ना। तो यहां पर वो सोचता है कि चलो एक काम करता हूं, मैं नजदीकी पीसीओ में जाकर है ना कॉल करता हूं किसी से 1 रुपया लेकर।
अब वापस ये सोचेगा अगर मैंने किसी से एक रुपए लिया तो सामने वाला मेरे ऊपर शक करेगा कि मैं घूम गया हूँ, तो मैं डेफिनेटली यहाँ पर किसी से भी एक रुपए लेने वाला नहीं हूँ। तो यहाँ पे तक आपको स्टोरी समझ में आया क्या हो रहा है। तो प्लानिंग इज बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मतलब वो बेसिकली सोच रहा है कि अगर मैंने किसी से पैसा लिया तो मैं दिक्कत में पड़ जाऊंगा, मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा। ओके, तो यहाँ पर वो सोच रहा है अगर मैंने एक रुपए नहीं लिया किसी से तो मैं मेरे घर तक पहुंच कैसे पाऊंगा बिना किसी के हाथ लगे। ओके, तो यहाँ पर वो डेफिनेटली सोचता है कि उसको याद है उसकी स्कूल में टीचर ने पढ़ाया है कि पुलिस का जो नंबर रहता है 100 इंडिया में, वो डेफिनेटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। आप कोई भी पीसीओ में जाकर कॉल कर सकते हो और उसका आपको चार्जेस देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो वो यहाँ पर अपनी ट्रिक अपनाता है, वो जाता है नजदीकी पीसीओ में और जाके वहां पर कॉल करता है 100 पे। पूरी बात वो पुलिस को बताता है तो पुलिस उसको बोलती है आप वहीं पे खड़े रहो, हम लोग वहां पे आ रहे हैं। ओके, तो जब पुलिस वहां पर आती है तो उसके पहले वो दुकान वाला पूछता है आपने कॉल किया मुझे पैसा दो। तो दुकान वाले को बंदा बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है और मेरी टीचर ने मुझे बताया है कि 100 पे कॉल करने के लिए आपको पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो आप मुझसे किस हिसाब से पैसा मांग रहे हो और मेरे पास अभी पुलिस आने वाली चाहिए तो आप उनसे पैसा ले लेना। तो दुकान वाला डर जाता है और बोलता है नहीं बच्चा कोई बात नहीं, आप मुझे पैसे नहीं दोगे तो भी चलेगा। उतने में पुलिस आ जाती है, पुलिस उसको अपने पुलिस स्टेशन में ले जाती है, अपना एड्रेस पूछती है उसको और सही सलामत घर पे पहुंचा के आ जाती है। बदलते माहौल में बच्चे ने बहुत सारा दिमाग लगाया है अपना, तो उसी तरीके से हमको देखना है कि प्लानिंग जो उसने किया था वो ये 10 को कैसे कवर करती है। ओके, तो प्लानिंग आपको समझ में आ गया रहेगा, एक बेसिक फंक्शन है मैनेजमेंट का। वो बताती है कि डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड हु इज टू डू इट। ओके, देखते हैं पॉइंट्स यहाँ पर क्या बोलता है। सबसे पहला पॉइंट होता है हेल्प्स टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या, कहाँ पहुंचना है, गोल क्या है आपका। जैसे कि वो बच्चे का गोल था कि उसको अपनी माँ के पास रिटर्न जाना ही जाना है। ओके, तो उसने एक गोल बना के रखा कि मुझको जाना है तो मैं किस तरीके से जाऊंगा, क्या प्लान करूंगा कि मैं घर पे पहुंच जाऊंगा मेरे बिना अगवा हुए, बिना मेरा किसी ने गलत यूज करा तो मेरे साथ में क्या हो सकता है उसने सोचा। तो डायरेक्टली उसने एक ऑब्जेक्टिव बनाया, गोल बनाया, प्लान बनाया कि मैं किस तरीके से मेरे घर पर पहुंच सकता हूं। तो प्लानिंग का मतलब बेसिकली यही होता है कि सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव एक गोल बनाना पड़ेगा जिससे आपको एंड रिजल्ट पे पहुंचना है बिना किसी का रिसोर्स को लॉस में आकर, अपने लॉस में आकर प्रॉफिटेबली आपको लास्ट मोमेंट में पहुंचना है रिसोर्सेस का एफिशिएंट यूज करने पर। ओके, नेक्स्ट इज प्रोवाइड पाथ ऑफ एक्शन। अब यहां पर पाथ ऑफ एक्शन मतलब क्या, प्लानिंग आपको बताते कि किस रास्ते पे आपको चलने का है। इमेजिन करो कि वो बच्चा रोते रहता और वहां पे किसी एक कोई समझ ले एक भला इंसान आकर उसको पूछता कि क्या हुआ है बेटा। इंसान के अंदर ही शैतान बसता है, उसी तरीके से वो रोते हुए बच्चे को अगर वो इंसान ने देखकर अगर उसको अपने घर पे ले जाकर कुछ किया होता तो डेफिनेटली यहां पर कुछ भी नहीं हो पाता। एक एक्शन पाथ जो है बच्चे का वो सफल नहीं हो पाता अपने घर पे पहुंचने के लिए। क्यों? क्योंकि यहां पर उसने सोचा ही नहीं कि रोने से मेरा इतना नुकसान होने वाला है। तो प्रोवाइड पाथवे ऑफ एक्शन का मतलब ये होता है कि किस तरीके से आप अपना रास्ता बना रहे हो आपके गोल पे पहुंचने के लिए। ओके, तो यहां पर आपको सेकंड पॉइंट क्लियरली समझ में आ रहेगा कि बच्चे ने रास्ता किस तरीके से बनाया था। सबसे पहले उसने सोचा कि अगर मैं रोऊंगा तो मैं फंस जाऊंगा, अगर मैंने किसी से पैसा मांगा फिर भी मैं फंस जाऊंगा, चलो एक काम करता हूं मैं पुलिस को कॉल करता हूं। क्योंकि पुलिस को कॉल करना एक सिंपल चीज है, डेफिनेटली उनको अगर फोन पे कॉल कर देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट तो मुझे आ जाएंगे बचाने के लिए। सेकंड पॉइंट आपको यहां पर समझ में आ जाएगा। देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या है। थर्ड पॉइंट है प्लानिंग इंप्रूव परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस बच्चे का इंप्रूव हो गया। किस तरीके से बच्चे का प्लानिंग करने से परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ, उसको एक रुपए भी खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ी। ओके, और दूसरी बात यह है कि उसको ज्यादा पंचायत करने की जरूरत नहीं पड़ी लोगों के साथ में, क्योंकि उसने लोगों को इन्वॉल्व ही नहीं किया उसमें डायरेक्टली उसने पुलिस को बुलाया, पुलिस वाले ने उसको उठा के पुलिस स्टेशन में ले गया, पुलिस स्टेशन में उसने एड्रेस लिया वहां का जहां पे वो रहता है। क्या पता वही पुलिस ने किसी अपने स्टाफ के जरिए, किसने कोई कांस्टेबल के जरिए उसने उसके एड्रेस पे पहुंचाया रहेगा वो पुलिस स्टेशन में। वो पुलिस स्टेशन में क्या पता उसके माँ बाप बैठे होंगे जो उसकी कंप्लेंट लिखवा रहे, डायरेक्टली जाके बच्चा अपना माँ बाप से मिल गया और इजिली यहाँ पर क्या हो गया, इंप्रूव हो गया है उसका परफॉर्मेंस। जिस तरीके से वो सोचा था कि किस तरीके से मुझे मेरे माँ बाप के पास पहुंचना है रिटर्न, उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पे वो वहां पर घर पे पहुंच गया।
ओके थर्ड पॉइंट यहाँ पे आपको समझ में आएगा क्या. मूविंग ऑन टू फोर्थ पॉइंट बताना है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस. बच्चे के पास था क्या? कुछ भी नहीं था राइट, पर उसके पास एक बहुत ही बेहतर चीज थी. उसके पास अपना शातिर दिमाग था जो उसने डेफिनेटली अपने माहौल को देखकर समझा होगा, बनाया होगा. यस और नो? उसने सोचा कि अगर मैंने किसी को मेरा नंबर, अगर किसी को मैंने बता दिया कि मैं घूम गया हूं, तो इंसान ही शैतान होता है जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था. तो इंसान कुछ भी कर सकता था उसके साथ में, पर उसने दिमाग को बहुत तरीके से यूज किया. उसके पास जेब काली थी उसकी, तो उसने बिना एक रुपए लगाए हुए कैसे पुलिस को बुलाया, कैसे पुलिस से संपर्क करके अपने घर पहुंचा. तो यहाँ पर पता चलता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. उसको मालूम है कि मेरे पास ऐसी क्या चीज है जो मुझे मेरे घर तक पहुंचा सकती है. उसके पास एक टेलीफोन था, एक पीसीओ वाला था, कि उसने पीसीओ पे फोन किया, पुलिस को बुलाकर अपने घर पर घर का रास्ता बनाया. ओके तो यहाँ पर रिसोर्सेज जो थे उसके पास कुछ भी नहीं था, बट उसके पास दिमाग था. वो दिमाग ही उसका सबसे बड़ा रिसोर्स था. मूविंग फर्दर है, वी हैव पॉइंट नंबर 5 कॉल्ड हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग. प्लानिंग करा वो बच्चे ने, प्लानिंग से उसका डिसीजन बना. प्लानिंग करने में उसने दो डिसीजन लिया रहेगा, या तो मैं लोगों को बता दूं कि मेरे साथ में क्या, मैं घूम गया हूं, या तो मैं बता दूं पुलिस वाले को कि मेरे को, मैं घूम गया हूं. तो डिसीजन हमेशा बनता है, तो दो इफेक्ट लेके आता है, या तो एक पॉजिटिव इफेक्ट होता है या तो एक नेगेटिव, या तो एक नेगेटिव इफेक्ट होता है या तो एक पॉजिटिव इफेक्ट होता है. नेगेटिव इफेक्ट ये था कि वो लोगों को बता देता और इंसान उसको यूज कर लेता, या फिर तो ये पुलिस को बता देता, पुलिस उसको यूज नहीं करके उसको डेफिनेटली उसको उसका घर तक पहुंचाता. तो यहाँ पे डिसीजन दो जरिए से थे, एक तो पॉजिटिव, एक तो नेगेटिव था इंसान वाला, और एक तो पॉजिटिव था पुलिस वाला. आपको यहाँ पे समझ में आ गया, प्लानिंग करने से उसका डिसीजन बहुत बेहतर हुआ. मूविंग फर्दर है, वी हैव टिप नंबर 7 कॉल यूजफुल इन सेटिंग द स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया कि किस तरीके से आप चीजों को कंट्रोल करोगे. बच्चा अगर वहां पे रोते खड़ा रहता, तो वो अपने फैक्टर को कभी कंट्रोल नहीं कर पाता. उसने यहाँ पर अपना शातिर दिमाग लगाया, शातिर दिमाग से सब चीज को कंट्रोल किया. उसने सबसे पहले अपने इमोशन को कंट्रोल किया, वो रोया नहीं, वो सबसे पहले सोचा कि मैं क्या करूं इस मेथड पे. उसके बाद में उसने कंट्रोल किया अपने माइंड को पीसीओ की तरफ लेके जाने में. पीसीओ की तरफ जब वो गया, तब उसने फोन किया पुलिस वाले को. उसके बाद में वापस उसने अपने माइंड को कंट्रोल किया, उसने दुकान वाले को बोला कि मैं आपको एक रुपए नहीं देने वाला, क्योंकि मुझे मालूम है 100 जो पुलिस का नंबर रहता है वो टोल फ्री नंबर रहता है, उसके लिए मुझे आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है. उसके बाद में फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन यहाँ पर बहुत अच्छा हुआ. वहां पर कोऑर्डिनेशन का मतलब ये होता है कि आपने जो मुझे बोला मैं वो कर रहा हूं, मैंने जो आपको बोला आप वो कर रहे हो. Yes or no? तो कोऑर्डिनेशन यहाँ पर किसके बीच में होता है? पुलिस वाले के बीच में और बच्चे के बीच में. कि पुलिस वाले ने बच्चे को बोला था कि आप वहीं पे, वो पीसीओ के यहाँ पर खड़े रहो, मैं वहां पर आपको आगे उठा के लेके जाता हूँ पुलिस स्टेशन तक. मेरे वहां पर वापस एक पुलिस स्टेशन में भी वापस एक कोऑर्डिनेशन हुआ था कि पुलिस कांस्टेबल ने बोला था कि आप उस जहां पे ये लड़का रहता है वहां पर उसको छोड़ के आओ, और वहां पे मैं पुलिस को बोल रहा हूँ कि ये बंदा हम लोग के यहाँ पर है, अगर इसके माँ बाप आएंगे तो उनको रुकने बोलना है, क्योंकि मेरा एक कांस्टेबल वहां पर आपके बच्चे को लेके आ रहा है. तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन दोनों के बीच में बराबर हुआ है. ओके तो कोऑर्डिनेशन का मतलब आपको समझ में आ जाएगा. मूविंग ऑन टू द सेकंड लास्ट पॉइंट, दैट इज 9th, फैसिलिटेट्स अदर मैनेजमेंट फंक्शन. प्लानिंग रहेगा तो ही बाकी सारे मैनेजमेंट फंक्शन वर्क कर पाएंगे. प्लानिंग रहेगा तभी तो ऑर्गेनाइजिंग हो पाएगा, तभी तो स्टाफिंग हो पाएगा, तभी तो डायरेक्टिंग हो पाएगा, तभी कंट्रोलिंग हो पाएगा, और तभी ही कोऑर्डिनेटिंग हो पाएगा. अगर प्लानिंग ही नहीं किया है तो क्या आगे सारे मैनेजमेंट फंक्शंस वर्क करेंगे? डेफिनेटली नहीं करेंगे. तो प्लानिंग करने से ही वो बच्चे ने अपने आप को सबसे पहला क्या करा, प्लानिंग करते ही उसने यस ऑर्गेनाइज किया कि मैं क्या करूं. ऑर्गेनाइज करा तो उसने पीसीओ के पास गया, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग. अब ऑर्गेनाइजिंग करने करने में उसने क्या कर दिया, खुद को डायरेक्ट किया. चलो मैं काम करता हूं, पुलिस को फोन करता हूं, पुलिस मेरे पास आएगी. पुलिस अभी डायरेक्टली कंट्रोल रूम से तो पुलिस भेजेगी नहीं ना, पुलिस वाले लोग, उन लोग अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में फोन करेंगे और बोलेंगे कि वहां से एक इंसान को जाने के लिए, पुलिस को जाने के लिए जहां पर वो लड़का खड़ा है. तो यहाँ पर हुआ स्टाफिंग, एक राइट इंसान को भेजा गया है उधर पे. अगर पुलिस स्टेशन में फोन करो तो स्विगी वाला डिलीवरी बॉय आके मुझे उठा के नहीं लेके जाएगा, यस और नो? एक पुलिस ही आके मुझे उठा के ले जाएगा. यहाँ पर स्टाफिंग होता है, राइट पर्सन विल डू द राइट जॉब. ओके विद दैट वी हैव डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग मतलब क्या, पुलिस स्टेशन से निकल के बंदा मेरे जगह पे आएगा जहां पे मैं खड़ा हूं, वो बच्चा जहां पे खड़ा है बाहर पर ही आएगा, उसको बोलते डायरेक्टिंग. मैंने तेरे को डायरेक्शन दिया है, तेरे को कहां से कहां पे पहुंचना है. उसके बाद में है कोऑर्डिनेटिंग, क्या वो लड़का तो मैं मिल गया,
क्या वो लड़का तुम्हारे साथ में सेफ है, क्या वो लड़का तुम्हारे साथ में है, क्या तुम उसको पुलिस स्टेशन में लेके आ रहे हो। ये है कोऑर्डिनेटिंग, कितना कोऑर्डिनेशन यहाँ पे हो रहा है, कितना लोगों से आपका कम्युनिकेशन हो रहा है और पता चल रहा है कि कितना काम हो चुका है। और कंट्रोलिंग, बच्चा सही सलामत आया क्या नहीं आया, क्या वो पुलिस ने उसका गलत इस्तेमाल नहीं कर दिया क्या, ऐसे सब सवाल में आते हैं। किसमें आते हैं? कंट्रोलिंग में आते हैं। ओके, मूविंग फर्दर है, वी हैव नेक्स्ट पॉइंट, द लास्ट पॉइंट, प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। बच्चा बहुत शातिर था, उसके पास महा एक अच्छा वाला दिमाग था, तो इनोवेटिव आइडिया उसने क्या लगाया कि मैं 1 रुपए खर्चा नहीं करने वाला, मैं 100 नंबर पे कॉल करके ही अपनी जान बचाऊंगा, मैं किसी के आगे अपना दुखड़ा नहीं गाने वाला, मैं रोने नहीं वाला, क्योंकि मेरे को मालूम है कि इंसान एक शैतान है, तो मुझे मेरी टीचर ने बताया है कोई भी आपको दिक्कत में आए या कोई भी परेशानी में आप आए तो आपको डायरेक्टली 100 नंबर पे कॉल करने का। तो बच्चे ने इनोवेटिवली अपना दिमाग लगाया, 100 नंबर पे कॉल किया, पुलिस ने भी इनोवेटिवली दिमाग लगाया, उसको सामने वाले उससे उसका एड्रेस लिया, एड्रेस के जरिए उसको उसके पुलिस स्टेशन में पहुंचाया जहां पे उसके माँ बाप बैठे हुए थे। तो इस तरीके से आपको प्लानिंग के 10 पॉइंट समझ में आ गया रहेगा। प्लानिंग, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं कि एक फंक्शन है, एक बेसिक फंक्शन है, अगर ये प्लानिंग वाला फंक्शन नहीं रहेगा मैनेजमेंट के अंदर, भले से वो स्कूल मैनेजमेंट में हो, भले से वो पार्टी मैनेजमेंट में हो, भले से वो कोई वेडिंग मैनेजमेंट में हो, शादी आप किसी को भी देख के गाय भैंस तो कर नहीं लोगे, जैसा हो ना, पहले तो आप प्लानिंग करोगे, पंडित जी को बुला के एक मुहूर्त निकालोगे, उसके बाद में आप एक डिसाइड करेंगे वेन्यू कहाँ पे शादी करने का है, जैसा हो ना, चांद तारे पे जाके तो कोई शादी करता है नहीं। तो प्लानिंग का मतलब ये होता है कि सबसे पहले आप डिसाइड कर रहे हो व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड हु इज टू डू इट। आई होप आपको ये वीडियो पूरा यहाँ तक का समझ में आया रहेगा। मैं इसके पॉइंट्स कवर करने वाला नहीं हूँ यहाँ पर, टेक्स्ट बुक वाले आपको डायरेक्टली जाके टेक्स्ट बुक में देखना है कि किस तरीके से इस चीज को पढ़ने का है। ओके, विद दैट आल्सो मेक श्योर कि आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपके फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करो, सबसे पहले उन लोगों को फॉरवर्ड करो और विजन में चैंपियन बनाओ, हैशटैग विजन शुड बी ऑन द टॉप ऑफ द यूट्यूब चैनल्स। ओके, विद दैट आल्सो मेक श्योर दैट यू लाइक, यू शेयर, यू सब्सक्राइब माय चैनल। विद दैट आल्सो मेक श्योर, अंटिल वी मीट, ऑल द बेस्ट, स्टे प्रिपेयर्ड।